बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ओवर टू इज इक्वल टू बी ओवर थ्री इज इक्वल टू सी ओवर फाइव। ए प्लस थ्री बी प्लस फाइव सी इज इक्वल टू 15। इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी और सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर वन का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर टू का। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन को यहाँ ले लेंगे, वो क्या है, वो है ए ओवर टू इज इक्वल टू बी ओवर थ्री इज इक्वल टू सी ओवर फाइव। फिर क्या करेंगे, लेट ले लेंगे इन तमाम को किसके बराबर, ए ओवर टू को इज इक्वल टू बी ओवर थ्री को सी ओवर फाइव को टी के बराबर। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इनको ले लेंगे टी के बराबर, फिर इनको ले लेंगे और फिर इनको। तो यहाँ जाएगा ए ओवर टू इज इक्वल टू टी, तो यहाँ इनको इस तरह लिख देंगे, टू को टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इज इक्वल टू टू टी। फिर क्या करेंगे, इनको ले लेंगे टी के बराबर, बी ओवर थ्री इज इक्वल टू टी, तो यहाँ जाएगा b इज इक्वल टू थ्री टी। फिर क्या करेंगे, यहाँ इनको ले लेंगे t के बराबर, c ओवर फाइव इज इक्वल टू t, तो यहाँ आ जाएगा c इज इक्वल टू फाइव टी। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू को ले लेंगे, वो क्या है, वो है ए प्लस थ्री बी प्लस फाइव सी इज इक्वल टू 15। तो यहाँ क्या करेंगे, ए की जगह इनको, बी की जगह इनको, सी की जगह इनको, तो यहाँ ए की जगह आ जाएगा टू टी प्लस बी की जगह थ्री टी प्लस सी की जगह फाइव टी इज इक्वल टू 15। तो यहाँ जाएगा टू टी प्लस नाइन टी प्लस 25 टी इज इक्वल टू 15। फिर क्या करेंगे, इन तमाम को ऐड करेंगे, तो इनसे आ जाएगा 36 टी इज इक्वल टू 15। फिर दोनों साइड को डिवाइड करेंगे किस पर, 36 पर, इनको भी 36 पर डिवाइड करेंगे, इनको और इनको भी 36 पर डिवाइड करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, जबकि इन दोनों को 3 पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 3 5 15 हो, तो यहाँ 5 3 12 36, तो यहाँ 12 आ जाएगा, तो हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 12। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो ए हमारे पास किसके बराबर आया था, टू टी के बराबर, तो यहाँ टी की जगह किसको पुट करेंगे, 5 ओवर 12 को, तो यहाँ 2 1 2 2 6 12, तो यहाँ ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 5 ओवर 6। अब क्या करेंगे, बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो बी को हमने किसके बराबर आया था, बी किसके बराबर आया था, तो वो आया था बी इज इक्वल टू 3t के बराबर, तो यहाँ क्या करेंगे, t की जगह किसको पुट करेंगे, 5 ओवर 12 को, तो यहाँ 3 1 3 3 4 12, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी b इज इक्वल टू 5 ओवर 4, b की वैल्यू आ गई 5 ओवर 4। अब c की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो सी किसके बराबर आया था, सी आया था 5t के बराबर, तो यहाँ क्या करेंगे, टी की जगह 5 को अपनी जगह लिख देंगे, टी की जगह किसको लिख देंगे, 5 ओवर 12 को, तो यहाँ हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी सी इज़ इक्वल टू 5 5 25 ओवर 12।
इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई।